क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। वाह वाह गजब। गाइस हमने लद्दाख में एक बड़ल ग्राम सभा बना रखी है और अभी ये खा रहा है सीविया, मैं तो खा के आ गया, ये लास्ट एंडिंग है। और ये काजू बादाम भिगा रहे हैं, इसने ना इसने भर के काजू बादाम, देखो उसकी यहाँ दिखा दिया, मैं मर के आ रहा हूँ दिखा जाए, वो दिखे दिया पर अच्छा, मतलब ऐसे टेम्पर आए हो गया दस तक। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्कार, मैं हूँ मनीष भंडारी लेह लद्दाख की इन खूबसूरत वादियों से, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पहाड़ी बॉय मनीष। सो गाइज आज जो है ना रात से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप देख सकते हो कितना कोहरा लगा पड़ा है चारों तरफ, और ये रहे पीछे टेंट, और सुबह सवेरे एकदम मस्त नज़ारा दिखता है। तो अभी सुबह के बज रहे 10:30 और अभी हमारी एक राफ्ट जा चुकी है राफ्टिंग के लिए, तो उसमें 3-4 लोग थे, और अभी सारे भाई लोग लगे पड़े अपने अपने कामों में, किचन वाले अलग, रेस्टोरेंट वाले अलग, और अभी गाइड लोग सारे सो के अब उठ रहे हैं, 9:30 बजे के बीच में सब लोग उठते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि मेरे को अपलोडिंग वगैरह वीडियो में तो और सोने की आदत इतनी है नहीं, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ। तो और आप ही देख सकते हैं मेरे पीछे, तो लोग आते हैं यहाँ पे स्टे के लिए, अगर कोई जा रहा है यहाँ से एमरजेंसी में, किसी को नाइट में रुकना होता है तो वो लोग फिर यहाँ पे स्टे के लिए रुक जाते हैं। बहुत लो प्राइस में हम लोग यहाँ पे रुकवाते हैं लोगों को, जो बड़ा टेंट है उसमें 4 लोग रह सकते हैं और छोटे वाले में 2 लोग रह सकते हैं, तो ये बहुत सही किया है यहाँ पे, क्योंकि लेह लद्दाख में आपको कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं मिल सकती, उसके लिए आपको बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर तक कुछ भी दुकान वगैरह मार्केट वगैरह आपको नहीं मिलेगा, तो इस वजह से हर जगह पे आपको दो चार टेंट वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ से मेन मार्केट जो है, जैसे लेह हो गया, लेह 120 किलोमीटर है, और जो यहाँ से छोटा मार्केट है दिस्कित हुंदर, यहाँ से 20 किलोमीटर है, और हम लोग अपना जो भी सामान है सब लोग दिस्कित वगैरह से ही मंगवाते हैं। और अब चलते हैं गाइस अपने टेंट की साइड, तो वहाँ पे क्या कर रहे भाई लोग, तो सुबह सुबह एकदम टाइम पास नहीं होता है, तो सब लोग कोई कुछ करते रहता है, तो सबका नाश्ता वगैरह तो हो ही चुका है। और इस साइड हमारे टेंट, जितने भी सारे गाइड हैं 8-9 गाइड हैं हम, और ये वाला जो हॉल है ये नया बना है, और अपने बिक्की भाई क्या ढूंढ रहे इधर, तो बिक्की भाई क्या कर रहे हो आप? अरे थोड़ा ये बारिश आ रहा था ना, इसलिए मैं इसको जूतों को। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी दुकान लगी सारे शूज की, तो इतने सारे जूते यूज होते हैं एक दिन में राफ्टिंग में। और अपने चाचा इधर स्टोर कीपर, ऐसे कर दो चाचा ऐसे ये। और यहाँ पे अपने मदन भाई कुछ ढूंढ रहे हो क्या? नहीं कुछ नहीं ढूंढ रहा। चलो फिर चाय पी रहे, बड़ल गाँव में चाय पी रहे। और ये हमारा बड़ल गाँव है, ये हरीश का टेंट है, इधर मुन्ना का टेंट है, इधर देसन चाचा का टेंट है, देसन चाचा जा रखे अभी राफ्टिंग, और मनीष यहाँ 14 बीघा आ चुका है, और मैं 14 बीघा आ चुका हूँ, मेरा टेंट ये है, मैं बिक्की दाई और के साथ, ये बिक्की दाई का है, उधर संदीप भाई का है, उधर मदन भाई का है, और अब टेंट में घुसने वाला है। और गाइस अभी फिर से बारिश लग चुकी है, तो रात भर बारिश और फिर सुबह फिर हल्की हल्की बूंद, यहाँ पे अगर तेज बारिश हो गई तो बहुत मतलब डर रहता है कि बाढ़ वगैरह ना आ जाए, और पहाड़ भी ऐसे सूखे पहाड़ है एकदम, पेड़ वगैरह तो है नहीं, तेरी भी गया था मैं फिसलन बहुत होर के, तो फिर से बारिश लग चुकी है। अभी हमारे 2 ही बोट गए, पहले देवसिंह चाचा फिर हरीश का नंबर, अभी तीसरा मेरा नंबर है फिर। एंड नाउ बिग रैपिड इज कमिंग, टाइगर रैपिड, मूव फास्ट, कंटिन्यू। Oh!
डाउन गेट डाउन and get back, forward, forward, fast, move fast, move fast, down again, and get back. और गाइज आज सुबह से मौसम एकदम खराब हो रखा था और सामने पे ना स्नो फॉल हुआ है, यहाँ पे देखो, ये देख सकते हो आप, तो यहाँ पे स्नो फॉल हुआ है और जहाँ से पेंगोंग साइड दिख रहा है उस साइड पे पूरा स्नो फॉल है और जो खरदुंगला टॉप है वहाँ पे भी पूरा स्नो फॉल दिख रहा है यहाँ से। तो क्योंकि आज का जो मौसम था एकदम ठंडा था और खरदुंगला यहाँ से 18,500-18,600 फीट पे, तो सबसे हाइट पे ज़्यादा यहाँ पे खरदुंगला है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर मौसम भी ख़राब हो गया तो बर्फ़ जो है पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके यहाँ से, तो ये हल्का सा आपको दिख रहा है जो हमारे बेस से थोड़े से पास में दिखता है हाइट पे, तो यहाँ पे अभी भी स्नो फॉल हो ही रहा है, जो आपको बादल दिख रहे होंगे स्नो फॉल हो रहा है यहाँ पे। और ये साइड है खरदुंगला, तो यहाँ पे भी हल्का हल्का बर्फ दिख रहा है और उसके बाद चलते हैं हम लोग जो यहाँ से पेंगोंग की साइड दिख रहा है। तो ये जगह में तो एवरी टाइम यहाँ से बर्फ दिखते रहता है, लेकिन यहाँ पे जब मौसम चेंज हो जाता है हाइट पे बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाता है। और आज इतना ठंडा मौसम था, हवा सुबह से चली रही थी और आज मतलब इतना खास काम नहीं था, बट एक एक दो दो राउंड फिर भी हो गया। हमारे लिए खास काम तब होता जब तीन तीन ट्रिप लगते हैं हमारे, तब लगता है कि हाँ कुछ काम किया आज, नहीं तो एक दो राउंड में ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं। तो गाइज अभी हम आ रखे रिवर साइड एज ऑलवेज, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है ब्लॉग में कि नेट हमारा चलता है स्लो, क्या है बेस में तो है ही नहीं, अगर फ़ोन भी कॉल करना होगा तो इस साइड आना पड़ता है। तो अभी हम नेट चलाने के लिए इधर आए और घर में अगर कॉल वगैरह करना है तो इसलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं शाम से हमको, तो करते हैं अभी कॉल वगैरह फिर मिलते हैं आगे। सो गाइज लुक एट दिस व्यू, सो सुबह से ना आज धूप देखने को मिली और वो भी इतनी खतरनाक वाली, पहाड़ हो कितना ऐसे लग रहा है कि किसी ने कलर किया होगा। वाह 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 वाह, खतरनाक व्यू दिख रहा भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है, वाह वाह गजब। और गाइज अभी सारे भाई लोग आ रखे इधर नेट चलाने के लिए, तो सब बैठे अपने अपने साइड पे, कोई पत्थर के बगल में ये हरीश और उधर है विक्की दाई, उधर है मुन्ना सोहन और नीचे गग्गू भाई, ये देखो इधर सारे बैठे इधर। अगर गाइज हमारे बेस में अगर नेटवर्क आता ना तो हम यहाँ पे कोई भी नहीं दिखते, और जो नेटवर्क है यहाँ पे सामने दिख रहा होगा हल्का सा ये, तो जब हम वहाँ चले जाते हैं फिर पहाड़ के पीछे ढक जाता है, जब यहाँ आते फिर दिख जाता है, तो उस वजह से हम लोगों का सबको इधर आना होता है, हमें को तो ज़्यादातर आना होता है ब्लॉग अपने अपलोड करने के लिए, तो इसलिए सब लोग शाम शाम को ना बैठे रहते हैं नेट वगैरह चलाने के लिए अपडेट होने के लिए। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर बाद वापस अपने बेस में, तो अभी शाम 7:40 हो चुके हैं शाम के। और गाइज अभी हम खा रहे हैं यहाँ पे सेवइयां, अभी मैंने बनाए सेवइयां, तो सब भाई लोग खा रहे हैं और यहाँ पे तीनों नूनो ये बड़े वाले आ चुके, दोनों लड़के दोनों कैप पहने हुआ, ये छोटा वाला ये आ चुका लड़का, ये अपना अपना इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो फर्स्ट ये माय नेम इज जिगमेत अशोक, और ये जिगमेत, माय नेम इज सिरिंग छोलर, ये सिरिंग, माय नेम इज दोर्जे डाडू, और ये है दोर्जे डाडुल। सो ये यहाँ पे आजकल पिकनिक मनाने आ रखे हैं, तो बहुत मजे कर रहे हैं, तो इनको भी मैं सेवइयां खिला रहा हूँ अभी यहाँ पे, और अभी रात के बज रहे हैं 10:40, तो आजकल इनके मजे हैं, स्कूल की छुट्टियाँ वगैरह पड़ी हैं इनके, यहाँ पे पूरे दिन घूमते रहते हैं, कभी किसी गाड़ी में इधर उधर। ची संगवा अभी मैं बोल रहा हूँ इनको क्या हुआ, यहाँ पर से बात कर रहे हैं डाडुल कैसे बना है, लद्दाखी में बोल, लद्दाखी में, लद्दाखी में बोल, ठीक है जोर से बोलना, जिंगबोरक, जिगमित कैसे हो रहा है, लद्दाखी में बोल, लद्दाखी में बोल, लद्दाखी में बोल, ठीक है। अभी ये बताओ कौन कौन से क्लास में पढ़ते तुम, स्कूल जाता जी? टू क्लास में, टू क्लास में, सेकंड में, सिक्स्थ, थर्ड स्टैंड में, वाओ
सही है। और छुट्टी कितने दिन की है अभी? 18 को जाओगे स्कूल? जिगमीत तू कब जाएगा? तेरा क्या है? तेरा क्या है? तेरा कब है स्कूल? जल्दी बता, जल्दी बता। 15 तो आज है। 15 तो आज है। 18, 19 जल्दी बता, सोचता बहुत है। जल्दी बता, भूल गया? चल कोई नहीं, चलो अभी गुड नाइट है, खाओ जल्दी और बाय बाय, मिलेंगे कल सुबह। जी नी सुम जी ना टू डू गेट गू चू। हो गया 10 तक। मेरे को 1-2 सुना रहे थे 10 तक इनके लैंग्वेज में, लद्दाखी लैंग्वेज में। फिर से बोलना, क्या बोला था? 1-2 नहीं, 1-2 नहीं, जी नी सू जी ना टू दून ग्यात गू चू। और गाइस अभी खाना वगैरह भी हो चुका है और अब है सोने की तैयारी। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। आई होप आपको आज वाला ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। सो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरी बॉय मनीष, और जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। गाइस हमने लद्दाख में एक बड़ल ग्राम सभा बना रखी है और अभी ये खा रहा है सीविया, मैं तो खा के आ गया, ये लास्ट एंडिंग है। और ये काजू बादाम भिगा रहे हैं, इसने ना इसने बर्गर काजू बादाम, देखो उसकी यहाँ दिखा दिया, मैं मर गया, मैं आ रहा हूँ, दिखा जाए, वो दिखे दिया पर अच्छा, मतलब ऐसे टेम्पर आए। चलो गुड नाइट, बाय बाय।